मैं हॉस्टल हो गया क्योंकि मैं अपना खुद का कहानी याद करता हूँ ना, जिस चीज में सिचुएशन से मैं गुजर। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो भी मैं अपना अपना जो अनुभव है मैं वो शेयर करने वाला हूँ। मैं मुंबई में आया था तो रूम खोजने में बहुत ही ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो रहा था, जल्दी रूम नहीं मिल रहा था हमको। तो मैंने कैसे रूम खोजा और अपना अनुभव बताता हूँ। तो मैंने प्रभु को बोला था, बजरंग बली को, कि प्रभु प्लीज़, क्योंकि बैचलर को यहाँ पे रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ काम है, क्योंकि बहुत बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा था हमको रूम खोजने के लिए। एक महीना तक हम आते जाते थे, बहुत ज़्यादा थक जाते थे, 5 घंटा आने जाने में लग जाता था, रूम खोजने में जाता था, लेकिन मिलता नहीं था। कितने सारे कॉल किए होंगे, 100 200 कॉल ब्रोकर वाले को, लेकिन सब जगह से हार ही मान रहा था, क्योंकि उतना मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि अगर 4,000 5,000 तक रूम लेता तो अच्छा खासा मिल जाता रूम, लेकिन उतना मेरे पास पैसा नहीं था उतना देने के लिए, तो मैं कैसे उतना रूम लेता। इसलिए मैंने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। प्रभु को बोला कि आप प्रभु, आप आए, हम यहाँ पे आए हैं, अब आप ही रास्ता दिखाओ। मैं बोला कि अगर रूम अच्छा से मिल जाए, जैसे कि मुंबई में बहुत पानी का बहुत दिक्कत होता है, तो पानी भरने उने का टेंशन नहीं। बोले थे कि प्रभु बस अच्छा सा रूम मिल जाए हमको, कहीं पानी उने का दिक्कत नहीं, जैसा आपको अच्छा, जो आपको अच्छा लगे, जैसा लगे आप, बस जल्द से जल्द रूम हमको जल्द से जल्द मिल जाए रूम। बस मैं यही बोला था, मंदिर में जाके बोला था, और मैं बोला था कि 108 बार हनुमान चालीसा का मैं पाठ करूंगा, जब मेरा रूम मिल जाएगा उसी के घर में आके मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। तो मैं बोल के छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद फिर 10 से 15 दिन के अंदर रूम फिर हमको आए, हम रूम खोजने के लिए, ठीक है, हम रूम खोजने के लिए आए। तो फिर उसके बाद जो फ़ोन करके बोला था ना कि आ जाइए रूम खोजने, वो बोला था 3,500 रुपये का रूम है, उसी के भरोसे मैं चला गया। फिर वहाँ जाने के बाद बोला कि 3,500 वाला नहीं है, जो 5,000 वाला है, जो 3,500 वाला आपको बहुत ज़्यादा दूर चौल में मिलेगा, ऐसे वैसे करके हमको मतलब त्रिंग पत्रा बतिया रहा था हमसे। तो फिर मैं बोला कि मैं 5,000 का तो ले ही नहीं सकता, उतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं कहाँ से मैं लाऊंगा उतना पैसा। तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया, उसको देखा भी नहीं, और डायरेक्ट मैं वेस्ट में शायद था, मैं मुंबई वेस्ट में था, मैं विरार वेस्ट में, तो मैं फिर विरार ईस्ट में चला आया, खुद पे ढूंढने चले आए। रास्ते में बहुत ज़्यादा दूर चलते 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 सबसे पूछते दुकान वालों से कि मुझे रूम लेना है, कहीं मिलेगा कहीं मिलेगा, सब बोल रहा था ऐसे तो कोई रूम नहीं देगा यहाँ पे, वो भी बैचलर को। सब जगह से हार मान गया मैं, सब जगह से हार मान गया। तब जाके पता नहीं प्रभु को मैंने याद किया, प्रभु को याद किया। फिर मैं यूट्यूब पे गया, फिर मैंने बोला कि मुझे मुंबई विरार में रूम लेना है, मतलब अंडर अंडर नाउ 3,000 3,500 के अंदर, मैंने ये बोला था। उसके बाद फिर एक नंबर आ गया, उसमें एक नंबर आ गया, तो मैं उसमें 3,000 मतलब 3,200 3,300 का रूम, मतलब वो बहुत पहले का, 1 साल का पहले का वीडियो था, तो उस पर मैंने नंबर पे कॉल कर दिया। शायद यही बोलते हैं, जब अच्छा होना होगा ना, अगर आपको, आपके साथ बुरा होते रहेगा, लेकिन प्रभु आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रभु पे भरोसा रखो। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया उसको, तो फिर बोला कि कहाँ पे रूम लेना है, ऐसे वैसे करके तुरंत आ गया, 10 15 मिनट में वो आ गया, हमको एक रूम खाली था वो भी दिखाया, 3,500 का रूम दिखा दिया, उसको हम डन कर दिए थे, बट वो थोड़ा काम चल रहा था। तो फिर मैं चला गया, बोले कि अब तो मिल गया है, अब कोई टेंशन नहीं है, पानी वानी का भी कोई टेंशन नहीं, 24 घंटा पानी का सप्लायर वहाँ पे, पीने का पानी भी आता आ रहा था, कोई टेंशन नहीं, चले गए। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, शायद दूसरे को रूम दे दिया, घर की मलकिनी कोई घर पे रखती तो वो मतलब कुछ अपना गेम खेल दी। फिर उसके बाद वो बोला हमको कि मैं अब, जब हम 2,000 रुपये हम दे दिए थे मतलब रिमाइंडर लगाने के लिए, तो फिर उसके बाद फिर बोला कि मैं जब बोला हूँ तो मैं खोज के जरूर दूंगा रूम। बहुत सारे रूम को मैंने फिर से देखने आया, एक रूम फिर पसंद आया हमको, फिर वही बोला कि उसके नीचे ही था, उसी के जो 35 वाला था उसके नीचे ही रूम मैंने देखा, तो वो रूम भी अच्छा था, बट वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, तो क्या करते लेके। फिर मैं बोला कि रुक जाइए, उसके बाद 2 3 रूम दिखाना है, तो फिर वो आया नहीं, पूरे दिन लग गया, रूम नहीं दिखाया हमको, पूरे दिन लग गया, नहीं दिखाया रूम। फिर उसके बाद चले गए, फिर कल ही होके हमको वीडियो भेजा 2 रूम का, एक रूम बहुत ही सुंदर था,
वो भी 3500-3600 का था रूम का भाड़ा, बट वो जो डिपॉजिट था ना वो 15,000 का था। तो मैं बोला कि इतना डिपॉजिट हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास उतना पैसा है नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं है, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो फिर उसके बाद उसको हम कैंसिल कर दिए, लेकिन हमको वही लेने का मन था। बहुत ही सुंदर रूम था, एक रूम किचन लेटरिन बाथरूम गैलरी, गलती कर दी। अगर वो रूम ले लेते तो बहुत ही और ज़्यादा अच्छा रहता। फिर उसके बाद ये रूम जहाँ पे हम रह रहे हैं इसका रूम का भेजा, फिर ये रूम का भेजा। तो फिर मैं इस रूम के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब ना कर रहा था, क्योंकि किचन के आगे में ही लेटरिन बाथरूम है तो चलता है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने बात किया सब जगह, बोला कि बैचलर में चलता है, ऐसा कुछ नहीं है रूम भाड़ा रूम रेंट में लगता, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर बोले कि फ़िलहाल ले लो, फिर उसके बाद वहाँ जाके अपना खोजना। और फिर मैं मन में आया कि हाँ दूसरे के यहाँ कितना दिन रह सकते हैं, इसलिए फिर मैं रूम फिर उसके बाद डन कर दिया। मजबूरी में हमको डन करना पड़ा, लेकिन रूम लिया, अच्छा रूम मिल गया हमको, पानी वानी का टेंशन नहीं है। बस वही खाली प्रॉब्लम है, बस किचन के सामने में बाथरूम है, बस उसी वही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा रूम मिल गया और अच्छा जगह पे मिला हमको, मकान मालिक भी बहुत ही अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा है यहाँ पे। मैं किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं चाहता हूँ, जो है सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। मैं सभी सभी को प्रभु के समान मानता हूँ, सभी को मैं अपने जैसे मैं प्रभु को देखता हूँ, सभी को प्रभु को देख, मेरे बारे में क्या सोचता है लोग, क्या बोलता है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बस मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, वो फ़र्क पड़ना चाहिए। तो बस यही बोलते हैं कि आप लोग विश्वास करो, बस भरोसा रहना चाहिए। देखिए मैं मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, मेरी मनोकामना भी नहीं पूर्ण होता है, लेकिन मैं विश्वास नहीं छोड़ता हूँ, प्रभु भरोसा रखता हूँ कि शायद नहीं हुआ, कम से कम और अच्छा होना बेटर होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी करो भरोसे के साथ करो, और 108 बार कम से 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक हो गया। आप घर में आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो न्यू घर में आया अनुष्ठान भी कर लिए। और बहुत लोग बोलता है, बहुत लोग सुने हैं कि बाथरूम के सामने में किचन नहीं रहना चाहिए, वास्तु ग्रह ऐसे वैसे, बहुत सारे मन में मेरे बहुत सारे ख्याल आए, फिर बहुत सारे ऐसे आए। फिर उसके बाद मैंने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, प्रभु जब आपका वास रहेगा, आप जब मेरे साथ हैं, तो क्या राहु क्या काल क्या ग्रह बिगाड़ पाएगा मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो फिर मैंने सब रख लिया, बस मैं अभी यहाँ पे 2-3 महीने रहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है खाली करके। तो मैं फिर प्रभु को बोलूँगा, देखना मेरा फिर से रूम मिल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रभु पे। और ये जो मेरा वीडियो कभी कभी कोई कोई वीडियो मेरा वायरल नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरा वीडियो वायरल जाएगा, मेरे बजरंगबली मेरी राधा रानी जरूर कृपा करेंगी मेरे ऊपर, मेरे महादेव। तो बस आप लोग भी भरोसा करके प्रभु को चुन लो, प्रभु का साथ रखो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है ना कभी भी कुछ भी, तो बस देखो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, मुझे गूजबम्स आ रहे हैं, मेरे सर पर मुझे गूजबम्स आ रहे हैं, लगता है मुझे अनुभव होता है। बस यही मैं बोलूँगा, बस भरोसा रखो, क्योंकि भगवान के अलावा कोई नहीं है, मैं इतना बोलूँगा। बहुत मेरे साथ रहे हैं, बहुत मेरे प्रभु हैं, दिल से मैं बोल रहा हूँ, सही से बोल रहा हूँ। क्योंकि जिस चीज जिसका सामना किया हूँ ना, प्रभु ही मेरे साथ थे, तब मैं उस सामना को पार करके मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी भी कुछ होता है तो मैं समझता हूँ शायद मेरे लिए प्रभु कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे शायद, इसलिए इसलिए मैं बोलूंगा कि बस विश्वास करो, भरोसा रखो, मुझे पूरा भरोसा अपने प्रभु पे। इसलिए मैं हॉस्टल हो गया, क्योंकि मैं अपना खुद का कहानी याद करता हूँ ना, जिस चीज में सिचुएशन से मैं गुजर रहा था, प्रभु अगर नहीं साथ में रहते ना, तो आज मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं जिंदा नहीं रहता। बहुत मुश्किलों का सामना किया मैंने, और भी आगे मुश्किल का सामना करेंगे। मुझे मुश्किल सामना करना नहीं, मुझे सब जिंदगी आसान बनाना है, प्रभु मेरा जिंदगी आसान बना देंगे। तो गाइस सॉरी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, राधे राधे, हर महादेव। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे पता है मेरा वीडियो भी नहीं वायरल हो रहा है, मेरा वीडियो वायरल होगा, अच्छा खासा होगा, आप लोग का सपोर्ट जरूर मिलेगा, मेरा वीडियो सभी को पसंद आएगा, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ जेन्यून बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, राधे राधे, हर महादेव। तो डू यू शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय, सॉरी गाइज़।